हाय डियर फ्रेंड्स, हम सभी आज पढ़ने वाले हैं एडवांस सर्वे। और एडवांस सर्वे में चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में इन तीन केसेस के बारे में ही पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इन तीन ये जो केस दिए हुए हैं, इन केस को अगर हम समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल से लेके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम समझ सकते हैं। तो कैसे इसको समझना है वो केस मैं बता रहा हूँ। केस वन है बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एसेसिबल। कहने का मतलब है कि अगर सपोज दैट कोई टावर है और मुझे यहाँ से मुझे ये इसका बेस अगर दिख रहा है तो इसका अगर मुझे आरएल फाइंड आउट करना है, जैसे ये इस तरीके का लैंड है, ठीक है, इस तरीके का लैंड है, यहाँ पे कोई टावर है, यहां से मैं इंस्ट्रूमेंट रख रहा हूं, तो यहां से मुझे बेस अगर नजर आ रहा है तो यहां इसकी टॉप का मुझे आरएल फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। यहां इंस्ट्रूमेंट मतलब यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट का। थियोडोलाइट एडवांस सर्वे मैंने स्टार्ट कर दिया है। थियोडोलाइट में कैसे रीडिंग नोट डाउन करना है, कैसे एंगल मेजरमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम आपको वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने की बात आएगी। हॉरिजॉन्टल एंगल अगर आएगा भी तो इसमें आएगा, ये जो थर्ड केसेस है उसमें आ सकता है। तो मैं कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला केस जो है ये बता रहा है कि जहां पर बेस हमें मुझे एसेसिबल हो, मतलब दिख रहा हो, तब मुझे अगर किसी टावर है या कोई बिल्डिंग है उसके टॉप का आरएल फाइंड आउट करना, यहाँ का मुझे आरएल पता हो, यहाँ का आरएल मुझे अगर चाहिए, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का आरएल मुझे चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो आप इस केस में समझेंगे। ये जो केस है इस केस में आप समझ जाएंगे। और ये इंडिविजुअल केस में सबको अच्छी तरह से कैसे आरएल फाइंड आउट करना हो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में पूरा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। दूसरा केस ये बोल रहा है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल, मतलब बेस नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल बताऊं कि इस तरीके का कोई लैंड है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है और यहाँ पर ये है, तो बेस तो ये ऐसे देखोगे बेस तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसे भी देखोगे तो ये दिखेगा, ये बेस नहीं दिख रहा है, समझ में। तो बेस जहां नहीं दिख रहा हो और उसमें जो टावर है उसके यहाँ का आरएल अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसके आरएल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बताया है एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएसेसिबल मतलब एसेसिबल नहीं है, नहीं बेस दिख रहा है। बट आगे बोला है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब सेम जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं स्टेशन, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, दो स्टेशन है, दोनों क्या होने चाहिए, एक ही वर्टिकल में होने चाहिए, सेम वर्टिकल प्लेन में होने चाहिए। सेम वर्टिकल प्लेन की बात मैं बोलू तो इसकी जो लाइन हो रही है और उसकी लाइन एक ही लाइन में होने चाहिए, उसको बोला जाता है सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो सेम वर्टिकल प्लेन में हो एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट, जो भी एलिवेटेड ऑब्जेक्ट है उसके आरएल फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें भी देखो दो केसेस हैं, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट सेम लेवल, मतलब इनका जो एक्सेस लेवल है वो सेम लेवल पे हो, ये एक केसेस है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का डिफरेंट लेवल हो, डिफरेंट लेवल मतलब एक का लेवल एक्सिस ये जा रहा है, एक का लेवल एक्सिस ये जा रहा है, ये डिफरेंट लेवल हो गया, दोनों का लेवल डिफरेंट है। अब जो डिफरेंट है उसमें भी दो केसेस हैं। दो केसेस क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो नियर है उसका लेवल लो हो सकता है, लोअर हो सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो नियर में ऑब्जेक्ट, दो इंस्ट्रूमेंट है उनके जो नीचे है वो लोअर हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि उसके जो नियर में है वो अपर हो सकता है, हायर हो सकता है, ये दो केसेस हैं। तीसरा यहाँ पे केस जो बताया है, तीसरा केस में बोला है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल है, मतलब बेस तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का, बट कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नॉट इन द वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में वो आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वो सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ की मैं बात करूं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये लैंड है, ठीक है, तो एक तो आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा, लेकिन दूसरा एक हमने यहाँ रखा तो एक यहाँ से मैं ले रहा हूँ, उसके बेस पे इसका आरएल फाइंड आउट करना है। ये प्रोसेस प्रैक्टिकली करना आसान होता है, लेकिन ये सब प्रोसेस करना प्रैक्टिकली करना, हाँ कोई वैल्यू दिया हो उसको सॉल्व करके आरएल फाइंड आउट कर सकते हो,
एंगल दिया है तो कर सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं, तीन केसेस हैं, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एसेसिबल हो और एसेसिबल ना हो, दो केसेस हैं एसेसिबल ना होने के लिए, एक सेम वर्टिकल प्लेन में होंगे, दूसरा सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं होंगे। सेम वर्टिकल प्लेन में होंगे तो उसके भी दो केसेस हैं, दो केसेस क्या होंगे कि सेम लेवल पे इंस्ट्रूमेंट एक्सिस सेम लेवल पे होगा और एक इंस्ट्रूमेंट एक्सिस डिफरेंट लेवल पे होगा। अगर डिफरेंट लेवल पे है तो इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जेक्ट के नियर है वो लोअर होगा या तो अपर होगा, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच की बात बता रहा है। कहने का मतलब ये ऐसे है, तो एक इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ रखा, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा, तो दोनों देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके नियर में इसका एक्सिस अपर है, इसके एक्सिस लोअर है। ऑब्जेक्ट के नियर जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वो क्या है, अपर है, अपर मतलब हायर है, ये वाला केसेस। और दूसरे केसेस में मैं बात बताऊं कि ऐसे है, ठीक है, एक को मैंने ये रखा और एक को मैंने ये रखा, तो इसका लेवल ऊपर इसका लेवल नीचे, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के नियर में जो है लोअर है, मतलब ये वाला केसेस लग जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर अभी इंडिविजुअली मैं बताऊंगा कि इसके आरएल कैसे फाइंड आउट करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इन सभी को कैसे करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मैं वीडियो के थ्रू आपको मैं ये सारे बताऊंगा। ये वीडियो, ये जो मैंने बताया ये एक वीडियो हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर एक मैं बना दूंगा, ये दूसरा हो जाएगा, एक तो ये हो गया, इस केस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा सेकेंड वीडियो हो जाएगा, इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तीसरा हो जाएगा, इनमें दो है तो ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। टोटल ये कॉन्सेप्ट थियरी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छह वीडियो, फिर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्वेश्चन भी तैयार रखें, मेरे पास सेंड करके रखें कि मैं जब भी क्वेश्चन पे आऊं तो क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करो। तो ऐसे ही देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए कि ताकि वो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए, इस चैप्टर से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो कर सकें, किसी भी मतलब कोई भी हाइट की अगर आरएल फाइंड आउट करनी है, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करना है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।